So hello everyone, I am Dr. Sumit Nage, you are watching Cocktail Dude. So purpose of making this video is just simple that कि जो मेरे friends हैं उनको admission लेने का अभी I have taken conservative dentistry in last year. So बस यही है कि बस थोड़ी बहुत help हो जाए क्योंकि admission process जो होती है वो बहुत confusing होती है, confusing part है कि अपने को थोड़ा बहुत मतलब समझ में नहीं आता कि कैसा क्या handle करना है, notification जो भी आता है, वैकेंसी सीट मैट्रिक्स जो भी आ रहता है कि कैसे क्या राउंड कैसे क्या खेले जाते हैं. तो बस मैं उसके बारे में एक रफली इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि मैंने लास्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो मुझे मालूम है कि थोड़ा बहुत मतलब कैसे होती है प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस. ओके, सो द फर्स्ट थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल इज कि जो भी मैं अभी बताऊँगा वो लास्ट ईयर का है. ओके, क्योंकि लास्ट ईयर जो भी मैंने किया है बस वही मैं बताने वाला हूँ. यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं इस साल, उसमें जैसे कि फीस स्ट्रक्चर हो गया, किस किस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज हो सकता है या फिर कुछ रूल्स कुछ प्रोसीजर थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है. ओके, सो अभी 15-20 दिन हो गए, रिजल्ट आ गया. जिनको अच्छे मार्क्स है ऑब्वियसली उनकी मेहनत रंग लाई, जिनको कम मार्क्स है बहुत कुछ आगे ज़िंदगी में करने के लिए, इतना टेंशन नहीं लेने का. और तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल इज हाँ, मैंने बताया कि जो भी मैं बताने वाला हूँ जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर में जैसा प्रोसीजर हुआ बस मैं उसके हिसाब से बताने वाला हूँ. ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें हो सकता है. सो अभी जैसा अपना रिजल्ट आता है ना, सिंपल सी बात है, पिछली बार भी जब रिजल्ट आया था तब रिजल्ट आने के 2 या 3 महीने बाद साइट्स ओपन हुए थे. मतलब हर एक स्टेट की एक एक अलग अलग वेबसाइट रहती है. सिंपल सी बात पहले बता देता हूँ, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की अलग एक वेबसाइट ओपन होंगी, राजस्थान है राजस्थान की अलग वेबसाइट ओपन होंगी, गुजरात है गुजरात की अलग, मतलब हर एक स्टेट की अलग 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 वेबसाइट ओपन होती है. तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा. ये वेबसाइट पिछली बार तो आई थिंक रिजल्ट लगने के 3 या 4 महीने बाद में आई थी, तो इस बार में भी अभी 15-20 दिन हो गए, रिजल्ट अभी आ जाएंगी 1-1.5 महीने में. तो ये जो टाइम पीरियड है अभी आपके पास में 1 मंथ का या फिर 1-2 महीने का, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो कि आप ना कॉलेज देखिए जो आपको कॉलेजेस होना, मतलब अकॉर्डिंग टू योर फीस स्ट्रक्चर जो भी आपका मनी वगैरह आपको जो लगता है या फिर कॉलेज के अकॉर्डिंगली. और सेकेंड थिंग कि आप ब्रांच चूज कीजिए जो कि आपको होना. देखिए बात ऐसी होती है कि जब मतलब सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि अपने को एडमिशन लेना है, सपोज आपको एडमिशन लेना है ओरल सर्जरी में, ठीक है. आपने फर्स्ट राउंड खेला, फर्स्ट राउंड में ओरल सर्जरी नहीं मिला, सेकेंड राउंड देखा आपने, सेकेंड राउंड में भी आपको ओरल सर्जरी मतलब नहीं मिला, लेकिन सेकेंड राउंड में दूसरी कौन सी तो भी सीट खाली थी, जैसे कि ऑर्थो खाली थी या फिर पीडो खाली थी. तो आप सोचते हो यार सेकेंड राउंड में नहीं मिल रहा, क्या वो ऑर्थो की सीट खाली है तो ऑर्थो ले लूँ या फिर पीडो की सीट खाली है तो पीडो ले लूँ. तो आप वहाँ पे वो सेकेंड राउंड में पीडो ले लेते हो, लेकिन जब थर्ड राउंड आता है, थर्ड राउंड में आपको दिखता है कि वैकेंसी है, क्योंकि जो सेकेंड राउंड में जिस बंदे ने ओरल सर्जरी लिया था फिर जो भी सीट लिया था, उसका कभी कभी होता है कि पैसों का नहीं जमता या फिर कुछ भी मैटर होता है या फिर उसको अपग्रेड होना कॉलेज, तो उस वजह से वो सीट खाली रह जाती है, ठीक है. तो वो खाली रह जाती है, तो उसके वजह से थर्ड राउंड में ओरल सर्जरी में फिर से मतलब वो जो आपको चाहिए था उस ब्रांच में आपको वैकेंसी आ जाती है. लेकिन आपने सेकेंड राउंड में दूसरा जो भी ऑर्थो था जिस जो सीट मिल रही थी वो ले लिया, तो वो जो है मतलब एक बार सीट मतलब आपने कॉलेज अलॉटेड हो गया आपको, तो वो बाद में चेंज करते नहीं आता. ये पॉइंट नोट कर दो, फर्स्ट राउंड हो सेकेंड राउंड हो थर्ड राउंड हो कोई भी राउंड हो, आपको बाद में ऐसा लगा भी कि नहीं बाद में चेंज नहीं हो सकता कुछ भी कर लो, तो ये जो ब्रांच सिलेक्शन है ये वाइजली करो कि आपको जो करने का है वही ब्रांच डिसाइड करो. एक तो फिर 2 ऑप्शन रखो कि ये नहीं मिला तो मैं ये लूँगा. ओके, सिंपल सी बात है. तो पहली बात तो हाँ, जो अभी आपका ये टाइम है उसमें आपको एक बात करनी की, एक तो अपने को कॉलेजेस देखने के, जो भी कॉलेज आपको अच्छे लगते हैं जो भी फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके अकॉर्डिंगली जो कॉलेजेस आते हैं उसकी लिस्ट बनाओ. देन सेकेंड थिंग ये है कि आपको कौन से स्टेट में अप्लाई करने का है. आपको राजस्थान में अप्लाई करने का है, आपको महाराष्ट्र में अप्लाई करने का है, आपको छत्तीसगढ़ में अप्लाई, जो भी स्टेट आते हैं उन जिस स्टेट में आपको अप्लाई करने का उस स्टेट की लिस्ट बनाओ. और हर एक स्टेट की अलग अलग फी होती है रजिस्ट्रेशन फी, जैसे कि महाराष्ट्र की अलग रजिस्ट्रेशन फी है, राजस्थान की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, गुजरात की अलग होंगी, तो हर एक की रजिस्ट्रेशन फी होती है.
आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होता है, अगर आपको उस स्टेट में एडमिशन चाहिए मतलब आपको लेनी होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन मतलब अगर रजिस्ट्रेशन डेट आ गई एंड आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं किया एंड उसके बाद में आपको लगता है कि यार मैं यहाँ पे मुझे मिल सकता था इसमें कॉलेज तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्या, तो बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। एक बार साइट क्लोज हो गई तो बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो ये बात ध्यान में रखना है। जब भी रजिस्ट्रेशन की डेट आती है तो सब आपको जहाँ जहाँ लगता है वहाँ वहाँ रजिस्ट्रेशन कर लेना, कर लीजिए, ठीक है। ओके सो हाँ, रजिस्ट्रेशन करते वक्त ना हर हर एक स्टेट का ऐसा भी रहता है किस किस में ना डिपोजिशन फी रहती है। डिपोजिशन फी मीन्स जैसे कि महाराष्ट्र में पिछले साल थी कि आपको रजिस्ट्रेशन फी के साथ साथ 1,00,000 रुपये भी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था। कुछ कुछ लोगों का वापस मिल गया है लेकिन कुछ कुछ लोगों का अभी भी मिलने का बाकी है वो पैसा, तो वो भी देख लेना एक बार। आई थिंक MP में भी, मध्य प्रदेश में भी था और छत्तीसगढ़ में नहीं था ऐसा कुछ, राजस्थान में भी ऐसा कुछ नहीं था। मतलब उनकी बस रजिस्ट्रेशन फ़ी थी अराउंड 4,000 और 5,000। कुछ कुछ जैसे महाराष्ट्र में क्या था, रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस डिपोजिशन फी, मतलब आपको 1,00,000 भी देना पड़ता है ऐसा रहता था। तो एंड हाँ, वो ऐसा है कि रिफंडेबल बहुत सारों का मतलब दिमाग में रहता है कि वो रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपको आपको सपोज कॉन्स लेना है, ओके एंडो लेना है आपको एंड आपने हर जब फॉर्म भरा, जब चॉइस फिलिंग की बारी है, आपने सब सब डाल दिया, ऑर्थो एंडो प्रोस्टो आपने, हाँ ठीक है एंडो पहले डाला आपकी एंडो प्रेफरेंस था, बट आपने उसके नीचे ऑर्थो पीडियो प्रोस्टो पेरियो वगैरह सब 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 डाल दिए एंड देन महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं जिसमें डिपोजिशन होता है, ओके तो आपने सब डाल दिए एंड देन राउंड जब लगता है, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड फर्स्ट राउंड जो भी लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पीडो मिल गया एंड आपको पीडो नहीं चाहिए, आपको एंडो चाहिए था, बट आपने गलती से जब चॉइस फिलिंग थी तब आपने सब ब्रांचेस डाल दिए थे, ओके तो उस टाइम पे अगर आपको पीडो लगता है तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं होना है ना, आप अगर वो कैंसिल करते हो तो आपका जो डिपॉजिशन मनी था, आपने जो पे किया 1,00,000 या जो भी होगा वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, वो नहीं मिलेगा। एक दूसरा ऑप्शन रहता है अपग्रेडेशन के लिए आप डाल सकते हैं, अपग्रेडेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आपको वो जो आपको ब्रांच मिली है उसी ब्रांच को आपको लेना पड़ेगा, दैट्स इट, ओके तो ऐसा हो रहता है। अगर आपको कोई भी नहीं मिला कॉलेज तो जो भी आपका अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा वापस। एंड और क्या था, हाँ तो बस यही थी हर एक स्टेट की। अभी तो किसी भी स्टेट की जो भी है वेबसाइट आई नहीं है, जैसे भी वेबसाइट आएंगी मैं इस चैनल पे अपडेट देता रहूँगा कि क्या है कैसा है कैसा करने का। तो बस वेट कीजिए थोड़ा बहुत, कॉलेज वगैरह और जो ब्रांच आपको डालने की है वो सर्च कीजिए, उसके बारे में सोचिए एंड जब भी कोई वेबसाइट आती है तो उसके जो नोटिफिकेशंस रहता है, नोटिस रहती है, वो बार बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए एंड हर आपको जो भी होना उसका रजिस्ट्रेशन का ना अप्लाई कीजिए उसको। मतलब सिंपल सी बात है, आपको अगर राजस्थान में एडमिशन लेना है एंड बाद में आपका माइंड अलग चेंज होता है कि मेरे को महाराष्ट्र में भी ट्राई करना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी ट्राई करना चाहिए था, तो रजिस्ट्रेशन करके रखिए। ये मेरा बस आपसे कहना है कि बस सिंपली रजिस्ट्रेशन तो भी करके रखना हर एक स्टेट का। ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है आप रजिस्ट्रेशन करके रखो, मतलब आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने ऐसा किया था, मैंने महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन नहीं किया था लास्ट टाइम क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग भी मैं कॉलेज वगैरह देखा था जहाँ पे अपने को एडमिशन मिलती है वो भी देखना चाहिए एंड महाराष्ट्र की जो डिपॉजिट फी थी वो भी थोड़ी ज़्यादा थी कि उसके हिसाब से मैंने महाराष्ट्र में अप्लाई नहीं किया था। लेकिन आखिरी में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहिए, लेकिन तब जो भी रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो चुका था। एंड हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए एक और एक बात है कि जो आपका अभी जो कट ऑफ रैंक है जो भी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन होगा, जो भी अभी नई वेबसाइट ओपन होंगी तो उसके ऊपर आप उस जो रैंक में आते हैं उस तक मतलब वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब कुछ दिनों बाद में कट ऑफ नीचे आएगा, इससे भी ऑब्वियस बात है नीचे आएगा सेकेंड राउंड के आसपास, तब और एक बार रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तब जाके जिनके मार्क्स थोड़े कम है उनके लिए भी आप मतलब तब आप अप्लाई कर सकते हो।
सो यही था बस आज की वीडियो में, तो मैं बस इतना ही बताऊंगा। जैसे जैसे कुछ ना कुछ आती जाऊंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह रहेंगी। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैं ऑब्वियसली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता मैं लिंक उसकी, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।